top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class business schools. Big Tech, excellence with values. मुख्य कारण ये है कि आज NPCL जो काम कर रहा है वो बहुत बेहतर और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है. 90 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट NPCL से है, वो 3.27 रुपए प्रति यूनिट लोग ले रहे हैं और हमें अब आज आज की इस महत्वपूर्ण सभा जिसमें समस्त ग्रेटर नोएडा के विभिन्न सामाजिक संगठन और आरडब्ल्यूए हिस्सा ले रही है, मैं उपस्थित. सबसे पहले मैं इस सभा के आयोजन के लिए, मैं गलती कर जाऊंगा अगर धन्यवाद ना करूं, गांव मावन की आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष श्री एसपी शर्मा जी का, विक्रम बसाना जी, अरविंद जी और सभी सहयोगी जितने भी पदाधिकारी और सदस्यगण आरडब्ल्यूए गांव मावन के हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा. बार बार आपका साधुवाद करना चाहूंगा कि इतना उत्तम महत्वपूर्ण विषय आपने लोगों के सामने उठाया. हमारी चर्चा सौभाग्य से हमारे एसपी शर्मा जी आईआईआई के भी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उस लेवल पर चर्चा चल रही थी, लेकिन बीच में जब बार बार 4 घंटे की कटौती, अब एक्सट्रीम विंटर के सीजन में भी हो रही है, प्राइस हाइक भी हो रही है, तो रेजिडेंट्स का भी एक कर्तव्य बन जाता था कि चाहे वो इंडस्ट्री हो, कॉमर्शियल हो, उसके साथ हम सभी लोगों का साथ सम्मान है और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं सबके प्रति सम्मान में कोई कमी ना रहे. मैं अपनी बात शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी बात बताता हूं. NPCL जो ग्रेटर नोएडा में विद्युत आपूर्ति कर रही है, हमारी रेजिडेंस की इंडस्ट्री की एक्चुअल जो नेसेसिटी है, जो आवश्यकता है, वो लगभग 185 से 195 मेगावाट है. उपलब्धता जो है, जो ये विभिन्न सोर्सों से खरीद रहे हैं, वो लगभग 140 मेगावाट है. मैं मानता हूं लगभग 45 मेगावाट कम बिजली ये लोग ले रहे हैं और उसकी वजह